बोर्ड का अल्ट्रा ऑडियो का एलईडी रहने वाला भाई, बी लार्क हमने रिप्लेस किया, एमजीबी पार्ट रहने वाला, जिसके अंदर मैडम ताइवान हमने डिफेक्टर रिप्लेस किया है। क्लैरिटी की वगैरह की अगर हम बात करें तो काफी क्लियर विजन आपको देखने को मिल जाएगा। टिन ग्लास होल्डर जो है वो लगाया गया है जो कि अपना अल्फा जेन्युइन रहेगा। इनकी वीडियो में मैंने देखा कि जो वर्क दे रहे थे और जो मॉडिफिकेशन कर रहे थे वो काफ़ी पसंद आया, और फिर उसी के उससे मैं इनको मैंने बुक किया था और फिर मैं आया, तो जो क्वालिटी ये दिखाते हैं यूट्यूब पर उससे बेटर मेरे को यहाँ पर मिला है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी कार बीस एक्सेसरीज करोल बाग में, और कार बीस अपना फेमस है ग्रैंड विटारा के मॉडिफिकेशन के लिए, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। मंजे भाई से मिलते हैं सबसे पहले। सबसे मंजे भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऑल गुड। सबसे पहले बताइए कि कौन सा वेरिएंट रहने वाला अपने पास ये? पर ये सिग्मा मॉडल है, तो अभी इस गाड़ी के अंदर हम बात करें इंटीरियर पे और ऑडियो पे और एक्सटीरियर पे, तो अभी फ्रंट लुक पे हम बात करना चाहेंगे भाई। हाँ, तो फ्रंट लुक के अंदर हमने कर दी हेडलाइट ग्लॉस की रिप्लेसमेंट, जो हमारा रिप्लेसमेंट पार्ट एमसीबी पार्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये बेसिकली चिपकाने वाला आइटम नहीं है, ये रिप्लेसमेंट वाला है। एक पीस निकल करके अपना दूसरा पीस जो है वो लग जाता है। इसके अलावा क्या रहेगा मंजे भाई? साथ में इसमें 180 वाट का अल्ट्रा ऑडियो का एलईडी रहने वाला भाई, और एलईडी का रिस्पांस की बात रहेगा वो आप रिस्पांस रहने वाला भाई। तो यहाँ पे रिस्पांस जो है वो आप चेक कर सकते हो, हाई बीम लो बीम बिल्कुल प्रॉपर आपको वर्किंग मिल जाएगा। ग्रैंड विटारा में एक नेगेटिव चीज़ ये है कि इसमें फॉग लाइट नहीं आती है, तो ये एलईडी इतनी काफ़ी रहने वाली है कि आपकी फॉग लाइट की कमी बिल्कुल पूरी कर देगी। बहुत 180 है, काफ़ी इनफ है, काफ़ी अच्छा रोशनी इस गाड़ी का। और ब्रांड करे ब्रांड की बात करें तो अल्ट्रा ऑडियो ब्रांड रहने वाला भाई। इसकी क्या कुछ वारंटी आप दे देते हो? 2 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी रहता भाई। हाँ जी, और 6000 कैलिवन के अंदर आता है, 2200 लुमियस के अंदर। ठीक है जी। और इसी के साथ हम इसके साथ बात करें ऑडियो पे, तो इसके अंदर हमने लगाया डायमंड 2K के 11.8 विथ 360 डिग्री कैमरा सपोर्टेबल, 4G सिम सपोर्टेबल, कारपे ऑटो एंड दोनों ही वायरलेस। और डायमंड 2K के अंदर जो मार्केट की बात करें भाई, तो मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे डायमंड 2K के नाम से माल बिकता है, पर ये सबसे हाई एंड मॉडल रहने वाला है। अगर आप समझ लो जिस स्टूडियो के अंदर 4G सिम आ रही हो और 360 डिग्री कैमरा सपोर्टेबल हो, तो सबसे हाई एंड मॉडल है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर 464 के अंदर रहने वाला है। डायमंड 2K के अंदर भी वेरिएंट्स आते हैं बहुत सारे, 8-10 वेरिएंट है, तो ये सबसे टॉप नोच क्वालिटी का डायमंड 2K जो है वो रहने वाला है, जिसमें आपको सिम सपोर्ट भी मिल जाएगा। खैर गाड़ी के अंदर लग चुका है, तो हम डिटेल में बात जो है स्टीरियो की वहीं पर चेक करेंगे। साइड दरवाजे की बात करें ऑडियो की, तो ऑडियो के अंदर हमने फिलहाल भी एवटार के कंपोनेंट लगाए हैं, जो आपको 7500 वॉट आरएमएक्स मैक्स पावर के साथ मिल जाता है, 150 आरएमएक्स मैक्स पावर के साथ मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक खासियत एवटार के अंदर ये है भाई, क्योंकि जो साउंड है ना, किसी भी कस्टमर को थोड़ा सा लाउड एंड बेस चाहिए, तो आप हम किसी हर किसी को एवटार रिकमेंड्स करते हैं। और इसके साथ हमने सोनी लैक्स का एक DSP डाला है, ये DSP एम्पलीफायर होता है, छोटा एम्पलीफायर होता है, जो आपके स्टूडियोज़ के अंदर पीछे के बैकग्राउंड में ही फिट हो जाता है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा वायरिंग करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है जी। अब ये बताइए कि पीछे वाले दरवाज़ों में कोई अपडेट किया आपने? अब पीछे वाले दरवाजे के अंदर भैया के पास ऑलरेडी उन्होंने नाकामिची का एक ऑडियो और JBL का स्पीकर कोइक्सल, जो कंपनी ने उनको जबरदस्ती दिया था इस गाड़ी के साथ 40,000 कोस्ट पे बैक कैमरा के, वो उन्होंने उसको डैम करा के स्पीकर को उन्होंने यूज़ में ले लिए, और जो फ्रंट सफर जी देख रहे थे, जो स्टूडियो के उन्होंने रिप्लेस में ले लिए मेरे साथ, और स्पीकर को उन्होंने यूज़ में ले लिया, और कैमरा जो है कैमरा हमने उनको ऑलरेडी डैम वहीं के वहीं छोड़ दी। ठीक है जी। तो अब हम बात करें, सबसे पहले सामने से दो चीज़ें आपको दिखा दी, तीसरी चीज़ रहने वाली है फ्रंट स्किड गार्निश, जो कि अपनी नेक्सा जेन्युइन यहाँ पर इंस्टॉल करी जा चुकी है, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ओवरऑल फ्रंट का लुक जो है वो आप कैसा आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, मतलब कि आपके पास ऑप्शन वैसे तो ये भी है कि आप स्क्रीन प्रिंट भी चेंज करवा सकते हो, बट आपको जो है जटा वेरिएंट वाला लुक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साइड से अगर हम बात करें, साइड से क्या रहने वाला है मंजे भाई? साइड से अलॉय में हमेशा से कहता हूँ कि अलॉय के मेरा ऐसा हॉट, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अलॉय, मतलब हर बिटारा वाले को आज के डेट में सिर्फ 18,000 की अलॉय दिख रहा है। जिस कंपनी 45,000 की अलॉय बेच रही है, आफ्टर 10% डिस्काउंट 42,000 की आपको लगाती है, हमारी मार्केट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो 18,000 के भी अलॉय बेच रहे हैं, तो 18,000 अलॉय के जो स्कैम है वो स्कैम से थोड़ा बचे। और मैं हमेशा से कहता हूँ अगर किसी को 15,000 की अलॉय चाहिए तो मैं भी दूंगा, वो स्कैम करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, मतलब कि आपको बेसिकली धोखा देना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा कस्टमर को। तो वैसा काम ना करके आप एक जेन्युइन काम करवाइए, जो जेन्युइन प्राइस है वो अभी हमारे पास जो पूरे काम पे बेस्ट टॉप पे हम इसको 22,000 का प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 22,000 का, और इसके साथ हम रिम रिप्लेस लेते हैं भाई, मतलब कि जो आपका रिम निकलेगा स्टील रिम वो आप वापस रख लेंगे, और उसके बदले एलॉय का जो अलॉय हम आपको 22,000 रुपए के साथ में पूरे काम पे, सिग्मा मॉडल के लिए, डेल्टा के लिए नहीं है। ठीक, अभी से क्लियर कर दो, तो डेल्टा के लिए ये रेट नहीं है, डेल्टा के लिए रेट के लिए आप मुझे डीएम करें या फोन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेगा
नेक्स्ट इसके अंदर हमने कॉर्नर पार्ट्स रिप्लेस किए हैं, जो आपको हाइड्रोटेपिंग पार्ट रहने वाला, रिप्लेसमेंट पार्ट रहने वाला एमजीपी के अंदर, ठीक है। साथ में बील आर्क हमने रिप्लेस किया, एमजीपी पार्ट रहने वाला पूरा रिप्लेसमेंट पार्ट के साथ। इनमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ें लगाई हैं, ये मतलब ऐसा नहीं कि डीप पेंट करवा दिया है, ये प्रॉपर जो है नेक्सा जनरल पार्ट के थ्रू रिप्लेस किया हुआ है। बिल्कुल, मतलब कि इसका जो उतरा हुआ पीस है वो कस्टमर घर ले जा सकते हैं। घर ले जा सकते हैं। इसके साथ ही हमने मड फ्लैप भी हमने इसमें हाइड्रो टेप करा के लगा दिए, आफ्टर मार्केट हाइड्रो टेप मड फ्लैप है, इसके साथ वो हिनहन हो गया भाई, जो अपना कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर मैच हो जाएगा। रूफ की बात करें तो हमने इसके अंदर ब्लैक रूफ टेपिंग करा दी है, डबल टोन का कुछ कॉम्बिनेशन दे दिए इस गाड़ी के अंदर। सेकेंड पार्ट इसके अंदर हमने नेक्सा का जो 75 का हमारा ऑफर चल रहा है, 75% का ऑफर चल रहा है, ठीक है, नेक्सा जेन्युइन हमने डोर वाइजर लगा दिए, साथ में हमने इसके अंदर अपना लोवर गार्निश लगा दिए, जो कि अपनी 6 पीसेस में रहेगी, पीछे तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ भाई साइड मोल्डिंग जो आपको 75% नेक्सा जेन्युइन के अंदर डिस्काउंट मिल जाता है, ये साइड मोल्डिंग मिल जाता है, ओके। और इस गाड़ी के अंदर हमने एक चीज़ और, जो अभी मेरे ख्याल से आपकी चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, ये हमने इसके अंदर फुटरेस्ट, ठीक है, ये रनिंग फुटरेस्ट हमने प्रॉपरली जेन्युइन एमजीपी फुटरेस्ट रिप्लेस किया है। और इसके खासियत ये है कि भाई इसके जो हमें बैक सपोर्ट एंगल्स के लिए ना कोई एंगल नहीं लगानी पड़ती, मतलब एक्स्ट्रा फिटिंग की जरूरत, एक्स्ट्रा फिटिंग की जरूरत नहीं, हम इसकी प्रॉपर ओएम ही फिटिंग करते हैं। आप ये देख सकते होंगे ये ओएम फिटिंग है, कोई एंगल लोहे की नीचे नहीं लगी है। अगर कुछ कस्टमर्स ये कहते हैं कि अगर मैं आफ्टर मार्केट फुटरेस्ट लगाता हूँ तो मेरी 1 से 1.5 इंच ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, तो वो होती है क्योंकि उसके नीचे हमें लोहे की एंगल फिट करना पड़ता है फिटिंग देने के लिए। हाँ, ओएम साइड फुटरेस्ट में हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती क्योंकि इसकी जेन्युइन फिटिंग अपनी प्रॉपर मारुति ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हो गई साइड से बात, अब एक बार आपको रियर पोर्शन दिखाता हूँ। टेपिंग जो है सबसे पहले आप चेक करोगे तो पूरा का पूरा जो रूफ है उसको कवर करती है और काफ़ी अच्छा लुक जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो रूफ रेल भी लगवा सकते हो, उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो अब बारी है कार के रियर व्यू को चेक करवाने की और यहाँ पर एक यूनिक चीज़ भी लगाई गई है जिसकी बात भी हम करेंगे। तो रियर से क्या रहेगा मंजे भाई अपना? रियर से ये मैट्रिक्स के अंदर मेड इन ताइवान हमने रिफ्लेक्टर रिप्लेस किया है। ये कुछ डिज़ाइन डिफरेंट लग रहा है मुझे। हाँ, ये थोड़ा अलग है और इसके अलग अलग मोड्स हैं। जैसे कि मोड्स की बात करें इसके अंदर तो इंडिकेटर्स मोड्स है, ठीक है, पार्किंग मोड्स है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे इसके अंदर आपको स्कैनिंग मोड जो है वो देखने को मिल जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। इसके अलावा रिवर्स वगैरह या ब्रेक वगैरह पे, रिवर्स पे भी आपको आएगा, रिवर्स पे देखेंगे तो रिवर्स पे ये चीज, ये कुछ रिवर्स के अंदर है। रिवर्स जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक व्हाइट लाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्रेक मोड जो है वो भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो चार मोड जो है उसके साथ आपको देखने को मिल जाते हैं और ये मेड इन ताइवान जो है वो रहने वाला है। ताइवान में चाइना भी अवेलेबल है, अगर किसी को सस्ता चाहिए तो चाइना अवेलेबल है, पर हम रिकमेंड्स नहीं करते क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है ना जिसके कारण हमें क्या होता है कि कभी कभी मीटर्स पे आपको एरर शो हो जाता है, तो इसके चक्कर में हम हर क्वालिटी का कस्टमर को रिकमेंड्स नहीं करते। इसमें कोई प्रॉब्लम हमें ऐसे आज तक आई नहीं है, तो ये आप लगवा सकते हो, ये ट्रस्टेड जो है वो रहेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेगा क्योंकि उसमें क्या होगा उसमें एक साइड का बंद हो जाएगा तो बुरा लगने लग जाएगी गाड़ी पीछे से। सो नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट है इसमें पार्शल ट्रे कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बूट लाइट्स, ये आप यहाँ पर चेक करें। बिल्कुल, और ये कुछ भैया के एम्पलीफायर ऑलरेडी पड़ा था, हमने सिर्फ वायरिंग किट के साथ इसको भी हमने चालू कर यूज में ला दिए भाई। एक ट्रैंक सिल्क क्रोम हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, ये जेन्युइन रहेगा, जेन्युइन एमजीपी के अंदर नेक्सा पार्ट में रहने वाला भाई। एक नेक्सा पार्ट की बात करें भाई, एक अपना स्किड पैड रहने वाली है, तो इसे बेसिकली रियर डिफ्यूजर भी आप कह सकते हो, डिफ्यूजर का काम हो जाता है। और इसके अंदर जो है प्रॉपर फिटिंग आती है नट वगैरह से, इसको जो है यहाँ पे टाइट जो है वो किया जाता है ताकि ये गिरे नहीं। और ये अपना बैक कैमरा इसके अंदर रहने वाला भाई 360 डिग्री का, तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हो। और जैसे मंजे भाई ने बताया कि भैया स्टीरियो लगवा के लेके आए थे तो उसका कैमरा यहाँ पे रहने वाला है, कैमरा वो हाँ उसको हमने डैम छोड़ दी क्योंकि इसको निकालते हैं तो यहाँ पे सुराख हो जाएगा, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं इसको ढकने के लिए। तो आपके लिए एक अच्छा मैं गाइडेंस देना चाहूंगा कि अगर आप आफ्टर मार्केट काम करवाने के मूड में हैं तो ये सब फिटिंग वगैरह वहाँ पे ना करवाएं ताकि आपका एक तो पैसा बचेगा। और मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर की रिकमेंड्स आता है कि भाई मैं ग्रैंड विटारा लूँ या क्रेटा लूँ या सेल्टोस लूँ या होंडा एलिवेटर लूँ, ये सारी गाड़ी एक इम्पैक्ट का है, 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है, 11 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ पड़ती है, तो हमेशा से मैं हम लोगों को मैं कहता हूँ ग्रैंड विटारा हमेशा किसी को रिकमेंड्स करता हूँ। वजह ये है कि इसके अंदर सारी चीज़ फ्यूचर लोडेड ऑलरेडी आता है, आप 1 लाख रुपये खर्च करते हो, 1 लाख खर्च करते ये आपको अल्फा कंपेयरिंग पे आ जाता है, आ जाती है। दूसरा इसके अंदर हम चीज़ों की बात करते हैं, कंपनियां क्या करती है स्कीम चला देती है कि भाई 6 महीने की वेटिंग 8 महीने की वेटिंग के चक्कर में जबरदस्ती कस्टमर को ऑडियो चेप देते हैं। अगर वो कस्टमर शोरूम आपसे अगर रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मुझसे सामान लो तब आपको हम गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, तो बेसिक चीज़ें जो होती है वो लगवा लो, आप ऑडियो पे ना जाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे नाका मीची के सारे ऑडियो रखे हुए मेरे,
कि ऑलरेडी ये सारे सेट जो है ना ये नाकामिची के मैंने रख रखे हैं, उतार उतार के कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे सिस्टम मेरे पास कंपनी कस्टमर छोड़ के चले जाते हैं कि भैया कुछ करो इसका, तो हम क्या करते हैं छोटे मोटे अमाउंट्स पे इसको रिप्लेस रख लेते हैं। तो ये चीज़ है, हमेशा ऑडियो रिकमेंड्स कभी नहीं शोरूम से करूँगा मैं, और ये कुछ ही पार्ट्स अपना इसका रिप्लेसमेंट पार्ट रहने वाला है। जैसे कि मंजे भाई ने बताया साइड लाइटिंग बोर्ड जो है वो चेंज है, और यहाँ पे अपना सारा जो पोर्शन है सारे कुछ निकल सारे पार्ट अब कस्टमर को रिटर्न कर दिए जाएंगे वहाँ पे। कस्टमर चाहेंगे तो रिटर्न ले जा सकते, नहीं चाहेंगे तो मेरे पास पड़ा रहेगा, मेरे लड़के कबाड़ में बेचता है सब। ठीक है जी, दोनों ऑप्शन है अपने पास। अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर में। तो भाई कार के इंटीरियर में आ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कार का जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी डिफरेंट आज देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मंजे भाई किसका ही चॉइस रहने वाली है, ये अपना कस्टमर की चॉइस थी या ये भैया एक्चुअल में क्या था कि भैया बहुत सारे कंफ्यूज थे, उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके थे पहले से, बॉम्बे वाले की वीडियोस देख रहे थे कई सारे दुकानदार। तो मैंने उनको कहा कि भैया अगर आपको ये काम कराना है तो देखो थोड़ा सा क्या है कि इन काम के लिए मुझे काम गाड़ी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तुम अपना कलर डिफरेंट, तो मैंने रेडीमेड सीट को जी मेरे पास कस्टमर सीट को ऑलरेडी स्टॉक पड़े होते भैया, अगर टाइम बचाने के लिए मैंने उनको रिकमेंड्स किया, ये उनके पसंद से मिलता जुलता था, थोड़े बहुत मेरे मत पसंद था, इसमें थोड़ा बहुत भैया का पसंद था, पर अब 100% भैया का पसंद है। ठीक है जी, मतलब वो सेटिस्फाइड हो चुके हो हैं चुके वो इन सारे काम को लेकर के। तो अब यहाँ पे क्या कुछ रहेगा अगर हम डिटेल में बात करें, सबसे पहले दरवाजे से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके की गाड़ी का इंटीरियर है उस तरीके का यहाँ पे जो है आपको इंटीरियर वर्क देखने को मिल जाएगा इसके दरवाजों के ऊपर। एक तो यहाँ पे अपना सॉफ्ट टच जो है वो किया गया है, और इसके अलावा इस वाले पोर्शन के ऊपर भी आपको सॉफ्ट टच जो है वो देखने को मिल जाएगा। कार भी इसकी हमेशा से स्पेशलिटी रही है जिसकी मैं तारीफ करता आया हूँ, वो ये रही है कि इसकी जो लाइनिंग देख रहे हो यहाँ पे आप, तो थ्रेडिंग वगैरह बिल्कुल आपको पैरेलल देखने को मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि आधी लाइन इधर जा रही है आधी लाइन उधर जा रही है, सेम है, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से फिट फिनिश का काम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा इसमें डैम्पिंग वगैरह भी करी है आपने? बिल्कुल, इसके अंदर एमट्रैक्स का हमने 3 mm की डैम्पिंग की है, रशियन डैम्पिंग है, और टोटल 10 sheets डैम्पिंग ओवरऑल हमने डोर्स के अंदर की है। जिसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो भाई ये कुछ साउंड रहने वाली, तो फर्क है, बिल्कुल फर्क है। तो इससे पता लग रहा है क्योंकि गाड़ी हमने ऑलरेडी पैक करके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था, तो इस गाड़ी को हमने बेसिकली सैटरडे का दिन था तो कई सारी गाड़ियां जो है वो आई हुई थी, तो इसलिए हम डे का टाइम शूट नहीं कर पाए। बाकी आप चेक करोगे तो अपने जो यहाँ पे आप चेक करें तो एम्बिएंट लाइट जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि कितने पीस रहने वाले मंजे भाई? ये टोटल 10 pieces K3 के अंदर रहने वाला भाई। अब K3 में 10 pieces कहाँ कहाँ पे वो आपको मैं गिनवा देता हूँ। तो 4 पीस आपको दरवाजों मिल जाएंगे, एक दरवाजे पे एक सिंगल पीस जो है वो रहने वाला है, सेम एज 2 पीस आपको डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो मिलने वाले हैं, एक पीस यहाँ पर है और एक पीस जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये पूरा डैशबोर्ड जो है वो अपना कवर करता है। और 4 पीस आपको पैरों में यानी कि फुटवेल्स में जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाले हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं, मल्टीपल इसके अंदर आपको फीचर्स मिल जाते हैं, आप इसको फोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो एप्लीकेशन इसमें बटन दी जाती है उसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। फोन एक्सेस है इसके अंदर, बटन भी है, दोनों चीज़ों आप वर्क कर सकते हैं। बेसिकली फोन ज़्यादा बेटर होता है कि आपके हाथ में फोन है तो आपने मोड चेंज कर लिया, वैसे तो ये ऑटोमेटिक मोड पर रहते ही है। अब इसमें कुछ वारंटी वगैरह भी मिल जाती है? कंपनी 1 साल की वारंटी दे रही है भाई, तो बेच रहे हैं इसको। ठीक है जी, कंपनी देना बंद कर देगी इसको भी हटा देगी। ठीक, जैसे गाड़ी को हटा दी हमने, गाड़ी की वारंटी आना बंद हो गई है। नहीं, वारंटी पहले से थी नहीं, पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया तो वारंटी हम क्लेम में दिक्कत होती थी हमें। ठीक है, हमने अभी इसको साइड किया। तो बेसिकली आपको वो चीज़ प्रोवाइड करी जाएगी जो कि आपके लिए बढ़िया है, यानी कि वारंटी वगैरह भी आपको सब कुछ मिलती रहे। अगर हम फ्लोर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे फ्लोरिंग करी गई है जो कि रहने वाली है अपनी चेकमेट क्वालिटी की। चेकमेट की फ्लोरिंग इस टाइम पे सबसे बेस्ट क्वालिटी की फ्लोरिंग रहने वाली है, जिसमें आपको चेकमेट की प्रॉपर बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी जो फ्लोरिंग है ये रहेगी, सबसे प्रीमियम क्वालिटी की फ्लोरिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो इस वाली कार में किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट इस गाड़ी के अंदर भाई सीट कवर्स तो आपने दिखाई दिए, हाँ जी, डैम्पिंग हमने दिखा दी, स्टेयरिंग्स हैं। स्टेयरिंग के ऊपर आप चेक करोगे डुअल टोन मून डिजाइन रैपिंग का काम जो है वो किया गया है, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपको इनका जो वर्क है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। मैं आपको एक क्लोजअप व्यू में जो है वो चेक करवा देता हूँ। आप चाहो तो अपना टॉप एंड वाला स्टीयरिंग व्हील भी परचेज कर सकते हो, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इसी के साथ इंटीरियर वर्क की बात की जाए तो यहाँ पे साइड वाले पोर्शन के ऊपर आप चेक कर सकते हो किस तरीके का फिनिश आ रहा है, और ये बड़े वाले साइज का जो पीस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो कंप्लीट जो है वो हो चुका है। ग्लॉसी किट जो इसके अंदर आती है एसी वेंट वाली वो भी लगाई गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक करोगे वेंट कंप्लीट यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक जो है हो चुका है। सेंटर वाला जो अपना वेंट है वो भी यहाँ पे हो चुका है, और अपना साइड वाला वेंट जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गई बात कंप्लीट इंटीरियर वर्क की। अब मूव करते हैं म्यूजिक सिस्टम पे और बताते हैं म्यूजिक में क्या कुछ रहेगा। तो भाई डायमंड 2K वाला स्टीरियो जो है साली कार के इंस्टॉल किया गया है, जो कि अपना 11.8 inch की स्क्रीन के साथ आता है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या आती है मंजे भाई? ये स्टूडियो भाई मैं पहले बता चुके हूँ, क्योंकि 464 के अंदर आता है, 360° कैमरा सपोर्टेबल है, 4G सिम सपोर्टेबल है, और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे हाई एंड प्रोसेसर है भाई। आप जितना मर्जी हैवी से हैवी साउंड डाल दो ये आपको आउटपुट लेके देगा,
और इससे नीचे जितने भी प्रोसेसर आता है सब वीक प्रोसेसर होता है। 360 सपोर्टेबल और 4G सिम सपोर्टेबल इस एक ही सिस्टम है मात्र पूरे इंडिया के अंदर जो आपको इसी ब्रांड में मिलता है और ये अपना डैप्स ब्रांड के अंदर रहने वाला है। और डायमंड 2K की बात कर रहे हैं तो हम डायमंड 2K के बारे में आपको बताते हैं जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। इसमें आपको डायल देखने को मिल जाता है इस तरीके से, इसमें आप जो है मैनुअली वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हैं और यहाँ से ट्रैक वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। इंटरफेस की बात करें किस तरीके का रहने वाला है तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आप यहाँ से जो है इसके अंदर एप्लीकेशन वगैरह विजिट कर सकते हो। कई सारी एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाती है, लाइक क्रोम ब्राउजर दिया गया है आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें फैन का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, इसको भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। बाकी गो अपना मैप आता है, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, गूगल है, टी लिंक के थ्रू आप इसके साथ एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी कैसे रहेगी, वाइड रहेगी या वायरलेस? ये वायरलेस रहती है प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप चेक करोगे ब्लूटूथ को हमने पेयर कर दिया है और अब कारप्ले की पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये अपना कारप्ले भी जो है वो अपना पेयर हो चुका है आपके सामने है। इसमें किस तरीके का इंटरफेस आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ तरीके का आपको एप्पल कारप्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो भी चाहो तो आप एंड्रॉइड ऑटो को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्पीकर जो है वो अपने अवतार के रहने वाले हैं जो कि फ्रंट डोर के अंदर ओनली कॉम्पिटेंट स्पीकर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। अब इसका एक बार आपको रिस्पॉन्स सुना देते हैं, NCS सॉन्ग हम लोग प्ले कर रहे हैं और आपको आउटपुट सुनाते हैं। We chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We scan through the highways. कुछ था साउंड का आउटपुट जो कि आपने सुना। एक स्पीकर लगाए गए हैं अपने अवतार के कंपोनेंट, पीछे एक बीस ट्यूब लगी है और एक एम का जो छोटी सी किट है वो इंस्टॉल करी गई है इसके साथ में, डीएसपी के साथ में। और आपने इसका साउंड का आउटपुट सुना। अब माइक ने किस हद तक जस्टिफाई किया है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इसके अलावा कुछ और चीज़ें इंस्टॉल हैं जैसे कि सबसे पहले आप देखोगे 360 कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है, उसका रिस्पांस वगैरह कैसा रहेगा? तो मंजे भाई कैलिब्रेशन हो गई है? कैलिब्रेशन बिल्कुल डन है भाई। इसके लिए हमें इसके पहले तो होम में आना पड़ेगा, होम में आने के बाद इसको हमें ऐप में जाना पड़ेगा और ऐप में जाने के बाद हमें इसको 360 मोड पे जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये कुछ हमारा 360 व्यू वाला मोड्स है। ये हमारा कुछ क्लैरिटी की वगैरह की अगर हम बात करें तो काफ़ी क्लियर विजन आपको देखने को मिल जाएगा। टैप करेंगे फ्रंट व्यू में, फ्रंट का व्यू आ जाएगा, राइट साइड का टैप करेंगे राइट साइड का, लेफ्ट साइड में और रियर में भी आप व्यू चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से फिजिकली जो है मतलब यहाँ से टच के थ्रू भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्रंट में अगर आपने एक वाइड एंगल व्यू देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, रियर का वाइड एंगल व्यू देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें आपको 3D मोड भी मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मतलब कि रात का समय है, करीब करीब अगर आप टाइम देखोगे तो यहाँ पे अपना करीब करीब 11 बजने को है और आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। और आज मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ, गाड़ी का नंबर भी यहाँ पे प्रिंट है, बिल्कुल ओके। ये आप चेक कर सकते हो, बस गाड़ी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये 360 कैमरा जो है वो इंस्टॉल रहने वाला है। अगर मैं इसके होम में जाता हूँ और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जस्ट लाइक आप यहाँ पे इंडिकेटर पुट करोगे तो दोनों कैमरा जो है मर्ज होकर के आ जाएंगे। इंडिकेटर बंद करता हूँ, राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा ड्राइविंग के टाइम पे, तो यहाँ पे आप चेक करोगे ये अपना राइट साइड का आ गया। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो लेफ्ट साइड का व्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। तो मतलब ये इंडिकेटर्स के साथ भी सिंक होकर काम करने वाला है, बिल्कुल। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ नजर डालते हैं, रूफ के ऊपर अपना सनग्लास होल्डर जो है वो लगाया गया है जो कि अपना जेन्युइन रहेगा और ये प्रॉपर वर्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें वैसे हैलोजन बल्ब आता है, यहाँ पे LED बल्ब जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बल्ब्स आपको वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी रिप्लेस कर दिए गए हैं। जो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री जितनी भी आइटम्स रहने वाली हैं सारी कुछ आपको देखने को मिल जाएगी वहाँ पर भी। आप LED बल्ब जो है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे अपना जो गियर लॉक का नॉब है इसको भी जो है वो अपना चेंज कर दिया गया है, गियर का नॉब बेसिकली। यहाँ पे आप बिफोर लुक और ये अपना आफ्टर लुक जो है वो देख सकते हैं। इस तरीके के जितने परफ्यूम हो गए या फिर जितनी चीज़ें हैं, की कवर हो गया, सब कुछ आपको मिलने वाला है कार बेस पर जो कि अपनी कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स रहते हैं। तो ये सब काम रहेगा मंजे भाई इस वाली गाड़ी के अंदर? इस गाड़ी के अंदर यही काम है भाई, और ये काम कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हाँ, ये कंप्लीमेंट पूरा ही काम है, पूरा काम जो है वो हो चुका है। अब एक बार कस्टमर से मिलते हैं और जानते हैं कैसा। ये कुछ हमारा टोटल सेट भी रहने वाला, OEM टोटल सेट जो कंपनी के टॉप मॉडल में आता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप एक क्लोजअप चेक कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की छोटी छोटी काफी अच्छी चीजें जो कि इसमें लगी हुई है। बाकी अब मूव करते हैं कार के ओनर की तरफ, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और उनसे जानते हैं कैसा उनका फीडबैक आता है। तो मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से, यू पी 15 नंबर बेसिकली। आप यहाँ के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मैं यूट्यूब पे फाइंड कर रहा था कि सबसे बेस्ट कौन कार डेकोरेटर है। ठीक है ठीक। तो मुझे ये यूट्यूब के माध्यम से कार बीस्ट के बारे में पता चला। तो यूट्यूब पे सर और लोग भी वीडियोस बनाते हैं जैसे मैं जानता हूँ। हाँ, काफ़ी तो वीडियो देखी मैंने, लेकिन जो इनकी वीडियो में मैंने देखा कि जो वर्क दे रहे थे और जो मॉडिफिकेशन कर रहे थे वो काफ़ी पसंद आया, और फिर उसी के उससे मैंने बुक किया था और फिर मैं आया। तो जो क्वालिटी ये दिखाते हैं यूट्यूब पर
उससे बेटर मेरे को यहाँ पर मिला है, तो मुझे अच्छा फील हो रहा है। मतलब एक्चुअल में जो निकल के आता है वो ज्यादा अच्छा आउटपुट निकल के आता है। और जैसे कि मैं बहुत ही डाउट में था कि मुझे किस तरह की रखना है, कलर का आउटपुट, तो इन्होंने मुझे बोला कि सर जो है वो बेस्ट है और आप इस पर यूज करके देखिए तो आपको बड़ी अच्छी फील आएगी। तो मैंने ये करवाया है और मुझे बहुत ही प्रीमियम लुक इसमें दिख रहा है, एक यूनिकनेस जो है वो ऐड हो रही है मेरे हिसाब से, लग्जरी कंफर्टेबल और बाकी सब कुछ तो है अमेजिंग, इनका काम है ही। मतलब कि जो आपने YouTube से चेक किया या एक तरीके का सजेशन YouTube ने आपको दिया, हाँ YouTube वो सजेशन आपको करेक्ट मिला एकदम फाइन, क्योंकि कभी कभी डाउट होता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि सर किसी ने ऐसी वीडियो बना के डाल दिया या कुछ, तो बिलीवनेस जो नहीं आती है। तो अब जैसे मैंने खुद आके ये देखा है और जो मेरे साथ और भी कस्टमर्स जो यहाँ थे, हाँ तो उन्होंने भी जो काम करा था मैंने उनका भी काम देखा, फिर मुझे काफी कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैं दो तीन जगह में वैसे मैंने पूछा था लेकिन जब फिर भी मैं लौट के यहीं पे आया, मतलब कि आपको जो है थोड़ा सा ट्रस्ट जो है ट्रस्ट, वो आपका मेंटेन हुआ, शुरू में थोड़ा सा फील होता लेकिन जो मुझे लग रहा था कि मुझे यहीं जाना है और यहीं पे मुझे काम कराना है, तो मैंने वो डिसीजन लिया और एकदम फाइन। तो वो डिसीजन जो आपने मॉर्निंग में लिया वो डिसीजन आपको जो है परफेक्ट मिला, एकदम परफेक्ट, ठीक है, सॉलिड। अब इस डिसीजन को नंबर देना हो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो 10 में से 10 देना चाहूंगा, बल्कि रिकमेंड करूंगा कि और लोग जो भी YouTube के माध्यम से इसको देख रहे हैं, हाँ, वो आंख बंद करके इस पे बिलीव करें और कार बीस्ट पे आकर के भाई के पास आए और एकदम बेहतरीन क्वालिटी का काम ये करते हैं, वो आपको दिखाई है। मैं भी इसी चीज के लिए आया था और मुझे वो बिल्कुल ऐसा हुआ है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ 100%। भैया के पास भी 18,000 वाले अलॉय के रिकमेंड्स आया था, हाँ हाँ ये तो पूछना चाहूंगा 18,000 वाले डिस्काउंट का भी रिकमेंड्स आया, पर इन्होंने डिस्काउंट के पीछे ना जाकर उन्होंने क्वालिटी का वर्क चुना है, क्वालिटी यस। अब उसके लिए भी ऐसा पूछ सकते हैं उन्होंने इस चीज के लिए कैसे अपने दिमाग से एक सेकंड में निकाल दे कि 18,000 आई बिलीव, मतलब कोई बिलीव ही नहीं कर सकता मैं चीज, बिल्कुल बिल्कुल, और ये 100% डिस्काउंट ये बिलीव ही नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपए की है तो हमें 1 रुपए में नहीं मिल सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ सकता है कि वो 50 रुपए मिलेगी पर 1 रुपए में नहीं, 1 रुपए में नहीं मिलेगी। और भैया के पास आकर के बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कस्टमर है तो बार्गेनिंग तो करेंगे ही, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ये प्राइस दे रहे हैं वो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे मार्केट में घूम के मैंने पहले रिव्यू लिया, पूछा लोगों से, लेकिन जब इनके पास आया वो प्राइस जो ने दिया बिल्कुल उनसे बेस्ट ही दिए थे, मतलब जो 100% जा रहा है उससे बेस्ट प्राइस मिल गया, और क्वालिटी तो आपके सामने है, मैं भी देख पा रहा हूँ बहुत अच्छी शानदार इसकी फिनिशिंग, देखिए कितनी बेहतरीन फिनिशिंग दी है, जो मतलब लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसी आनी चाहिए, मुझे बिल्कुल वो मिली, तो मैं तो बिल्कुल खुश हूँ, संतुष्टि बेसिकली आपको पूरी पूरी। भी पूछ सकते भैया से, जो भैया ने वीडियोस बॉम्बे वाले के देख रहे थे, हाँ उसमें और इसमें क्या कंपेयरिंग भैया? एक्चुअली मैंने एक वीडियो देख लिया था यूट्यूब पर, बॉम्बे से वो थे जिन्होंने वीडियो डाला था, तो उनका इंटीरियर काफ़ी बहुत ही औसम लग्जरी आ रहा था, तो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं फील होना चाहिए कि मैंने जो वीडियो देखा है जो खर्चा और, किया हाँ, वसूलना हो, वो ऐसे वसूलना हो, तो बस इन्होंने बोला आप बेफिक्र रहिए और जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बस देखिएगा, तो अब जो मुझे काम मिला है बाकी जो फिनिशिंग मिली है बहुत ही शानदार मिली है, तो आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मेरे पैसे जो लगे हैं वो बिल्कुल वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब मुझे एकदम जो मैंने चीज लगाई है उसका मुझे आउटपुट मिला है आपको जी। अब ये बताएं सर, कल को किसी को रिकमेंड करना हो मेरठ के अंदर या फिर किसी की मैं को रिकमेंड, बिल्कुल मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया कि बिल्कुल बिलीव कीजिएगा और आइएगा और इसी कार बीच पे आकर के इसको यूज काम करिएगा। सर आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है और आप यहाँ तक आए, आपने इतना ट्रस्ट किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।